आधा घंटा हो गया मुझे यहाँ से गए हुए, लेकिन तुम लोगों ने सुबह सुबह इस घर को अखाड़ा बना रखा है। अभी तक तू तू मैं चल रही, तुम लोगों के दिमाग खराब हो गया सबका। कान खोल के सुन लो, और बा आप भी, मेरी अभी एक बहुत ही जरूरी कॉन्फ्रेंस कॉल होने वाली है जिसपे मेरा पहला प्रोजेक्ट डिपेंड करता है। मुझे बिल्कुल भी आवाज नहीं चाहिए, किसी की भी आवाज नहीं चाहिए, एक चम्मच की भी आवाज नहीं चाहिए। वनराज, इसकी माँ ने तो जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया और मैं भी ना कह रही हूँ, अब तू ही फैसला ले और ये तमाशा खत्म कर। बाप बस कीजिए, अब ये टॉपिक यहीं पे खत्म कीजिए प्लीज, मुझे और कोई तमाशा नहीं चाहिए। सुखनी, आपकी बातें पापा, तमाशा रेली आओ, आओ ना। अरे सामान यहां रखो, यहां रख दो, आई थिंक दिस इज, ये ठीक है। घर देख के लग रहा है कि तुम कैसे ठाट में कपाड़िया हाउस में रहती थी ना? हाँ यहाँ रख दो, ये यहाँ रख दो। कुछ बोलोगी नहीं? एक मिनट, पीछे ना उपदेश भाई, मैं चाय लेकर आती हूँ। भाभी जब आप अपने घर आ जाएंगे तब पिएंगे। विंटर पिटेगा आज। बोल। सबने अपनी अपनी बात कह दी है, अब मैं अपनी बात कहूंगा। सुन रहा हूं, बोल क्या कहना चाहता है। अनुपमा, मैंने तुम्हारा सारा सामान खुद अपने हाथों से पैक किया, लेकिन फिर भी तुम एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ये वाला जो सूटकेस है ना, इसमें तुम्हारे सारे कपड़े हैं, और इसमें ये ग्रीन वाले में तुम्हारे सारी टॉयलेटरीज हैं, जो इस घर को देखकर लगता है कि यूज़लेस ही होंगे। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम्हारे वो स्टील के बर्तन, ये बड़ा वाला पार्सल है ना कार्डबोर्ड का, इसमें मैंने तुम्हारे सारे स्टील के बर्तन पैक कर दिए जो तुम्हें बहुत पसंद है। अरे सबसे इम्पोर्टेंट,
ये तुम्हारी सारी ज्वेलरी, तुम्हारे सारे गहने, प्लीज एक बार चेक कर लो। शरबत पियेंगे? हाँ, क्या? हाँ, गर्मी बहुत है ना, और यहाँ एसी भी नहीं है, तो ज्यादा देर यहाँ रुकिएगा मत, नहीं तो आपका मेकअप खराब हो जाएगा। और जरा जाते जाते स्टाफ से कहिएगा कि ये सब वापस ले जाए, मुझे नहीं चाहिए। पर अनुपमा, ये सारा तुम्हारा सामान है। जो मेरा है वो मेरे दिल में है, उसे आप ये लाल, नीले, गुलाबी और ये सारे बक्सों में पैक नहीं कर सकती है। अब ये महानता दिखाने से क्या होगा अनुपमा, रख लो ना, वैसे भी यहाँ कुछ है ही नहीं। तुम्हें मेरी बेटी की इतनी फिक्र है? जी आंटी, एब्सोल्युटली। तो सारा सामान लेकर आओ, क्योंकि मेरी बेटी अभी भी कपाड़िया मेंशन की एक एक ईंट की मालकिन है। जाओ जाओ, लेकर आओ। अरे माँ, ये सारा सामान कैसे ले आएंगी? हाँ, हम घर ही बदल देते हैं ना। बरखा बहन, आप यहाँ शिफ्ट हो जाओ और हम कपाड़िया मेंशन शिफ्ट हो जाते हैं। हाँ, वो घबरा मत बेटा, मेरी बेटी को कुछ नहीं चाहिए, बस एक बात याद रखना, औदा अगर चौकीदार का हो तो अकड़ मालकिन की नहीं होनी चाहिए। मैं ये सारा सामान यहाँ इसलिए लेकर आई थी ताकि अनुपमा के काम आए। काम सामान नहीं, इंसान आते हैं, लेकिन आपने शायद जिंदगी में इंसान कमाए नहीं है तो इसलिए आप जानती नहीं है। अनुपमा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। अनुज ने मुझसे कहा था कि तुम्हारा सामान लौटा दूं, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारा सामान लेकर आई, अनुज के कहने पर। अनुज ने कहा था मुझे। बोल! मैं भी तो देखूं कि तू ऐसा क्या कहेगा जो आज तक नहीं कहा गया है। बोल। पापा, मैं अपनी फैमिली के लिए जान भी दे सकता हूं, लेकिन मेरी फैमिली, ये फैमिली मेरे लिए कभी कुछ नहीं करेगी, ना कभी किया है और ना ही करेगी। लूजर है, बदतमीज है, लाइफ में कोई गोल नहीं है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, कुछ नहीं हो सकता इसका। और पता नहीं पापा क्या क्या बचपन से लेकर आज तक मैं सुनता आया हूं, यही सुनते हुए मैं पड़ा हुआ हूं। इस घर में मम्मी के अलावा किसी ने भी कभी मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, कभी किसी ने प्यार से सर पे हाथ नहीं फेरा, ये नहीं कहा कि बेटा तू जैसा भी है अपना है, इस घर का बेटा है। लेकिन फिर भी पापा, जब जब इस घर में प्रॉब्लम आई है, इस घर को मेरी जरूरत पड़ी है, मैंने अपने बेटे होने का फर्ज निभाया है, इस घर के लिए खड़ा रहा हूं, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ एक्सपेक्ट किए, बस करता गया। लेकिन जब मेरी बात आई तो मेरी चॉइसेस की, मेरी पसंद की, तो सबको इश्यूज हुए। लेकिन अब बस पापा एहसान नहीं जता रहा, बस बता रहा हूं, मम्मी के जाने के बाद जरूरत पड़ने पर मैंने इस घर के बर्तन तक धोए हैं, ये सोच करके कि मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूं। भाभी जब प्रेग्नेंट थी ना, तब जितना हो सकता था मैंने पा और भाभी की हेल्प की किचन में। और ये तोशु भाई, जब अपने ही बच्चे की जिम्मेदारी से भाग रहे थे ना, तब मैंने छोटा होके भी बड़ा भाई बन करके भाभी का ख्याल रखा, फिर चाहे वो डॉक्टर के पास जाना हो या टेस्ट करवाने हो या वॉक पे ले जाना हो, पापा मैं लेकर जाता था। मैं ये सब स्वीटी भी तो कर सकती थी ना, लेकिन इसने नहीं किया। पापा एक टाइम था इस घर में जब आपके पास, काव्या के पास, भाई के पास, किसी के पास काम नहीं था, तब घर के खर्चे चलाने के लिए ना मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस ली, सुबह से रात, दिन रात इधर से उधर भागता था, लेकिन फिर भी जब घर वापस आता था ना, तब मैं बा और भाभी की किचन में हेल्प करता था। तब तो मैंने नहीं कहा कि मैं कर रहा हूं या मैं ही क्यों कर रहा हूं। हाँ, और भाभी, मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने सोचा था कम से कम आप तो मुझे समझेंगी, आप तो मुझे सपोर्ट करेंगी, लेकिन आप भी। समर, ऐसा नहीं है,
हम सब जानते हैं कि तूने इस फैमिली के लिए कितना कुछ किया है। तो आपने मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया? और बा, आप बताइए ना, मैं कभी बेटे की जिम्मेदारी से भागा हूं? नहीं ना, तो फिर आज बेटे की जिम्मेदारी लेने से सब क्यों भाग रहे हैं? सबको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्या मैं इतना बुरा हूं कि कोई भी मेरी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता? सच में यहाँ बहुत गर्मी है, मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकती, टॉलरेट नहीं कर पाऊंगी। ये लो, तुम सारा सामान ले लो। ये लो, मैं तो चली। एक बार फिर कह रही, सामान वापस लेकर जाइए। नहीं, मैं सामान नहीं लेकर जाऊंगी। अनुज ने मुझे ये सामान तुम्हें देने को कहा था, मैंने दे दिया, बस। भाभी, मेहरबानी करके सारा सामान ले जाइए। ओ गॉड अनुपमा, आई नो यू आर एन इमोशनल फूल, लेकिन मुझे लगा था इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम दिमाग से सोचोगी, दिल से नहीं। बट नो, यू नेवर फेल टू डिसअपॉइंट मी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना। आप मेरी जगह पर नहीं है, इसलिए मुझे समझ नहीं पाएंगे, और कोशिश भी मत कीजिएगा। एक मिनट, तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये सारा सामान मैं अपनी मर्जी से यहाँ लेकर आई हूँ? तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है, मुझ पे भरोसा नहीं है? एक मिनट, ये लो, अनुज से बात करो, खुद अनुज से बात करो, कहो उसे तुम्हें सामान चाहिए नहीं चाहिए, रखना है नहीं रखना है, जो कहना है अनुज से कहो। तुम दोनों के बीच में मैं क्यों बुरी बनूं यार? हाँ, ये लो, करो, बात करो। लो, करो ना, करो, बात करो। इस घर में मेरे अलावा हर कोई चिल्ला चिल्ला कर अपनी प्रॉब्लम्स बताता है, लेकिन पापा, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मुझे प्रॉब्लम्स नहीं है, या मैं दुखी नहीं हूं, या मुझ पे प्रेशर नहीं है। पापा, ये जो एकेडमी के लिए 10 लाख का लोन मैंने बड़ी से लिया है ना, ये मुझे ही चुकाना है। इसका प्रेशर है मुझ पे, लेकिन मेरी प्रॉब्लम्स किसी को नहीं दिखाई देती, या शायद पापा कोई देखना ही नहीं चाहता है। ये स्वीटी, गुस्सा करे, बदतमीजी करे, सब चलता है, भाई कुछ भी करे, सब चलता है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद नहीं ले सकता। इन दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की, लेकिन मैं नहीं कर सकता। क्यों पापा, क्यों? क्या मेरी खुशी कोई मायने नहीं रखती? मेरा दर्द, मेरी तकलीफ, मेरे इमोशंस कुछ भी नहीं? पापा, इस घर में, इस परिवार में मेरी कोई जगह, कोई वैल्यू है या नहीं? क्या मेरे हिस्से में सिर्फ फर्ज आते हैं? मेरा कोई हक नहीं है? माना पापा, माना कि आप लोगों को मेरा डिम्पी से शादी करना गलत लग सकता है, चलो गलत है भी, तो क्या पापा मेरा गलती करने का भी कोई हक नहीं है? तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुझे कोई प्यार नहीं करता? तेरे पापा तुझे प्यार नहीं करते? तुझे सब प्यार करते हैं, तेरी चिंता है बेटा, इसीलिए तुझे इस शादी से रोक रहे हैं। नहीं होती तो सब कहते जो करना है कर ले, भाग में जा। बेटा पहले ही ये घर बहुत सारे रिश्ते टूटते हुए देख चुका है, अब एक और शादी टूटते हुए नहीं देख सकते। टूटे हुए शीशे चुभ के निकल जाते हैं, लेकिन टूटा हुआ रिश्ता जिंदगी भर चुभता है। उस चुभन के आगे अच्छे अच्छे टूट जाते हैं, और जो नहीं टूटता है उसे समाज के ताने तोड़ देते हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तब ठीक रहता है बेटा, लेकिन एक बार पति पत्नी बन गए ना तो सब कुछ बदल जाता है। एक्सपीरियंस से बता रहा हूं बेटा, एक बार तेरी शादी हो गई उसके बाद ना तू सेम रहेगा और ना ही डिम्पी। मैं 2 शादियां करके देख चुका हूं, पहली शादी मेरी टूट चुकी है और दूसरी टूट रही है। अपने भाई तोशु और किंजल को देख ले, अधिक और पाकी को देख ले,
अरे इनको छोड़, तू अपनी माँ को देख ले। अनुपमा और अनुज में कितना प्यार था, कितना प्यार था, लेकिन एक साल में दोनों अलग हो गए। शादी के लिए प्यार जरूरी है लेकिन काफी नहीं है। बेटा हम तुझे जिंदगी भर दुखी और परेशान नहीं देखना चाहते, इसलिए तुझे रोक रहे हैं। वी आर फैमिली। फैमिली कैसी फैमिली पापा? वो फैमिली जो फुटबॉल की तरह एक दूसरे को मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी पास ऑन कर रही है कि मैं नहीं ले रहा तू उसे दे दे, अरे मैं भी नहीं ले रहा तू किसी और को दे दे, अरे वो भी नहीं ले रहा तो उसकी मम्मी को दे दे, अरे उसकी मम्मी ने भी नहीं लिया। बहुत अच्छा किया, बहुत मजा आया, यही कहा था ना तूने, ऐसी फैमिली पापा। मम्मी से वीडियो कॉल पे बात करें, मुझे उनसे बात करनी है। बच्ची मैंने अभी मम्मी को फोन लगाया था, उनसे अभी बात हुई है, वो अभी बिजी होंगी ना, तो बाद में करते हैं। मुझे उनसे बात करनी है पापा, मैंने कल से उनसे बात नहीं की है। प्लीज पापा, प्लीज 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 पापा फोन लगा दो ना प्लीज। बेटा वो पागल हो गया क्या? इतनी देर से तुझे समझा रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन तेरी अकल में कुछ घुस ही नहीं रहा है। प्यार के चक्कर में तमीज, रिश्ते, संस्कार सब भूल गया तू। क्या कहा पापा आपने? संस्कार। संस्कार, वाह पापा वाह, संस्कार। लेट मी टेल यू वन थिंग पापा, आपकी बातें ना सच में फनी है। अरे जब तक चुपचाप मैं आप लोगों की बातें सुनता था ना, तो इस घर का सबसे संस्कारी बच्चा था, लेकिन आज मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता हूं तो आज मुझे संस्कार के लेक्चर दिए जा रहे हैं। वाओ, क्या संस्कार है पापा, क्या संस्कार है, आई मीन वाओ, संस्कार 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 संस्कार। समर, अरे भाड़ में गया समर। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा बेटा, शांत हो जा, शांत। समर तुम तो इस घर के सबसे अच्छे बच्चे हो ना। अरे नहीं बनना है, नहीं बनना है मुझे अच्छा बेटा, अच्छा बेटा बन बन के मैं थक चुका हूं। इस घर में अच्छों को ही सब सुनना और सहना पड़ता है। मेरी मम्मी के साथ ये हुआ था, अब मेरे साथ भी यही हो रहा है। सबको नंदनी के टाइम में प्रॉब्लम था, अब डिंपल के टाइम में प्रॉब्लम हो रहा है। भाई और स्वीटी गलती पे गलती करते गए, लेकिन फिर भी आप लोग इन्हें मना कर घर में ले आए। अरे मैंने तो कोई गलती भी नहीं की है, लेकिन फिर भी आप लोग मेरी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। अरे क्या फायदा है ऐसा अच्छा बन के, इससे तो अच्छा मैं भी भाई और स्वीटी की तरह सेल्फिश हो जाऊं। बस कर बेटा, बस कर, मैं हाथ जोड़ता हूँ, तू बस कर बेटा। नहीं गुड्डू, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी गुड्डू, मैं आपको हर्ट कर रहा हूं, लेकिन अब बस, आई एम डन। अब मुझे अच्छा बेटा बनना ही नहीं है। समर, तुम जो कुछ भी कहना चाह रहे हो प्लीज डोंट से इट। नहीं भाभी, आज मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा, आपकी भी नहीं। आज मुझे जो कहना है वो मैं कह के रहूंगा। अगर मैं इतना ही बुरा हूं कि किसी को मेरी जिम्मेदारी नहीं लेनी है, तो मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।